हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज मैं पूजा मैम के साथ आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो मैम, मैं सबसे पहले बात करूंगा इस पिक की। जब इस पिक को आपने फर्स्ट टाइम देखा, तो आप किस तरीके से इस पिक को हमारे स्टूडेंट्स के साथ रिलेट कर सकती हैं, आपसे मैं जानना चाहूंगा। देखो, मुझे तो देख के इसको यूं लग रहा है सर कि एक बंदा है जो बहुत मेहनत कर रहा है और मेहनत करते करते वो यहाँ लास्ट तक आया है, बट एक हल्की सी दीवार को बिना तोड़े वापस लौट जा रहा है। तो मतलब बहुत अनफॉर्चुनेट है, इसको पता नहीं है कि अगर हम थोड़ी सी मेहनत और कर लेंगे तो शायद खजाना पा लेंगे। तो स्टूडेंट के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। ठीक है, स्टूडेंट भी बहुत साल भर मेहनत करते हैं और जस्ट आखिरी मोमेंट पे किसी फैक्टर की वजह से जब उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता तो अपने ड्रीम को छोड़ के वो किसी और चीज के साथ सेटल हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो मैं मेडिकल की फील्ड की अगर मैं बात करूं, तो मेडिकल की फील्ड में एमबीबीएस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या सच में ऐसा है कि एमबीबीएस करना या उसके अलावा जो सेकंड ऑप्शन है वो कुछ ज्यादा ही नीचे है एमबीबीएस से, ऐसा कुछ है सच में एग्जिस्ट करता है? देखो, हम लोग यही चीज हम लोग बताना चाह रहे हैं कि देखो स्टूडेंट्स, कोई भी फील्ड जो है वो किसी से भी कम नहीं है। हर फील्ड के अपने अपने क्या है, हम बोल सकते हैं वैल्यूएबल पॉइंट्स है। लेकिन हम एमबीबीएस की तरफ क्यों जा रहे हैं, क्योंकि हमारा वो एक सपना जिसके थ्रू हम सोसाइटी की हेल्प कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, मैक्सिमम से मैक्सिमम। क्योंकि आप भी ये जानते हैं कि मेडिकल आपके एमबीबीएस में आपके जाने के बाद में आप कितना उनको सोशली आप हेल्प कर सकोगे। सर, आप देखिए आजकल हर जो भी लोग हैं वो एलोपैथी की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, तो हम भी कोशिश ये करते हैं कि हम एमबीबीएस की तरफ जाएं ताकि सोसाइटी की हेल्प हो और उसी के साथ में हम हमारी फैमिली की भी हेल्प कर सके, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारी फैमिली की ग्रोथ भी उसी के साथ होगी। बिल्कुल बिल्कुल, आज भी डॉक्टर बनना, खासकर एमबीबीएस करना, मतलब बहुत ही ज्यादा रेस्पेक्ट वाली चीज मानी जाती है। मतलब मेरे एक स्टूडेंट की अगर मैं आपको बात बताऊं, तो उसका सपना डॉक्टर बनना केवल और केवल इसलिए था क्योंकि कभी उसके फादर डॉक्टर नहीं बन पाए थे। तो ऐसे भी इमोशंस जुड़े होते हैं, और इतने इमोशंस जुड़े होने के बाद में अपने सपने को इस तरीके से छोड़ना मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी जायज नहीं है मैम। बिल्कुल, ये मैं इस चीज में सर मैं बोलूंगी स्टूडेंट्स के साथ में कि देखो, लास्ट पड़ाव है, एक हल्की सी दीवार है, उसे तोड़ते ही हमें खजाना मिल जाएगा और हमें इस साल उस खजाने को लेना है। तो मैम, मैं इस दीवार के बारे में बात करना चाहूंगा। ये जो पतली सी दीवार है, ये वो मिस्टेक्स है जो कि बच्चों ने इस नीट 2019 के अंदर करी थी। बिल्कुल। तो मैं वन बाय वन इन मिस्टेक्स के बारे में आपसे कुछ पूछना चाहूंगा कि इन मिस्टेक्स को कैसे पहचाना जाए और कैसे दूर किया जाए। तो अगर हम पहली मिस्टेक के बारे में बात करें, तो फर्स्ट मिस्टेक बच्चों के साथ जो हुई होगी, बहुत सारे बच्चों का मैम फर्स्ट अटेम्प्ट रहा होगा। अब फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या है, बच्चा इतना सीरियस भी नहीं होता, उसकी कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती, कोई टाइम मैनेजमेंट नहीं होता उसके पास में, और फिर भी अगर वो इतना डिसेंट स्कोर लेके आ रहा है, तो मैम मेरे हिसाब से तो उसको सेकंड अटेम्प्ट जरूर देना चाहिए, क्योंकि शायद इन्हीं बच्चों में से हो सकता है अगली बार का जो टॉपर है वो निकले। बिल्कुल, ये चीज आपने सर एकदम सही बोली कि देखो, मैं ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है, मैं उनसे बोलना चाहूंगी कि देखो, ये उस रेसिपी की तरह जो आप सबसे पहले किचन में जाते हैं, शायद हो सकता है कि वो हम बोलते कोई हमने सब्जी बनाई हो लेकिन उसमें तड़का नहीं लगाओ, लेकिन जैसे ही उसमें तड़का लग जाता है ना, तो उसके साथ में उसमें रंगत आ जाती है और फिर उसके बाद में खाने का स्वाद भी बहुत अलग आता है। तो आपको वो तड़का ही लगाना है इस बार, क्योंकि आप लोगों ने रेसिपी तो तैयार कर ली है, स्टेप्स जाकर आपने तैयार कर लिया है अपना, अब वो तड़का कैसे लगाना है वो हम लोग आप लोगों को बताने वाले हैं। बिल्कुल मैम, तो इतने स्वादिष्ट तरीके से अगर आप सब्जेक्ट पढ़ाएंगे तो बच्चों को वैसे भी डर लगने वाला नहीं है। लेकिन बात अगर मैं सब्जेक्ट्स की करूं, तो नेक्स्ट पॉइंट एग्जैक्टली मैंने यही कलेक्ट किया है, क्योंकि नीट तीन पिलर्स के ऊपर खड़ी हुई एक बिल्डिंग है, और अगर आपकी एक भी पिलर आपका अगर कमजोर निकलेगा तो वो पूरी की पूरी बिल्डिंग ढह जाएगी। तो अगर तीन सब्जेक्ट में से किसी बच्चे का एक सब्जेक्ट भी वीक है, साल भर वो उससे डरता रहता है और आखिरी में वही सब्जेक्ट उसको कहीं ना कहीं मात दे देता है, तो इस एक सब्जेक्ट या दो सब्जेक्ट बच्चों के जो सेलेक्टिवली वीक रहते हैं उसको किस तरीके से इंप्रूव किया जाए मैम? देखो, इसके लिए तो मैं एक टैगलाइन देना चाहूंगी बच्चों को कि वो कहते हैं ना, गब्बर सिंह ये क्या कर गया, जो डर गया वो मर गया। और देखो, डरना नहीं है हमें, और डरते हैं हम लोग सिर्फ एक ही चीज से, वो है आपका सब्जेक्ट फिजिक्स, फ्रेंकली स्पीकिंग। और उसके लिए हम लोग लेके आए आपके फिजिक्स के इतने इंपॉर्टेंट, जो आपकी इतनी अच्छी सीरीज जिन्होंने चलाई थी वो सर, अब वही बताने वाले कैसे आप लोगों को इस डर से निजात पानी है। देखो, मैं बच्चों यही कहना चाहूंगा कि मैम ने एक लाइन के अंदर पूरा का पूरा इलाज बता दिया। आप किसी भी सब्जेक्ट को इम्प्रूव कर सकते हो अगर आप उससे डरोगे नहीं। और फिजिक्स के अंदर खासकर बच्चे इसलिए लैक करते हैं अपना कॉन्फिडेंस, क्योंकि कहीं ना कहीं ऑलरेडी बच्चा जब पढ़ना स्टार्ट करता है उससे पहले ही बच्चे को डरा दिया जाता है कि यार फिजिक्स तो बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। तो मैम की इस बात को पकड़ के बैठ जाओ, हमें करनी है तैयारी, हमें लड़ना है, बट हमें डरना नहीं है बिल्कुल भी। अगर ये मूल मंत्र आपने पकड़ लिया तो फिर आप देखना कि आपको सारे के सारे सब्जेक्ट जो है वो आसान लगेंगे। अब मैम, कई बच्चे तीनों सब्जेक्ट के अंदर बहुत अच्छी पढ़ाई भी करते हैं बट फिर भी कहीं ना कहीं उनका काफी अच्छा स्कोर नहीं आ पाता, और उसके पीछे जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है
वो है कि उनके पास एक प्रॉपर रिविजन स्ट्रेटेजी नहीं होती. मतलब आप साल भर पढ़ते जा रहे हो, इधर से पढ़ लिया उधर से पढ़ लिया, बट आप रिवाइज नहीं कर रहे, तो फिर आप कैसे मार्क्स लेके आ पाओगे? तो इसके बारे में आप मैम क्या कहना चाहेंगी? हाँ, ये रिविजन के लिए तो मैं आपको बोलना चाहूंगी कि देखो, रिविजन हर चीज में आपको रिक्वायरमेंट है. रिविजन चाहे आप कोई भी, आप चाहे वो फिजिक्स करे, चाहे केमिस्ट्री करे, चाहे बायोलॉजी करे, सब में रिविजन की रिक्वायरमेंट रहती है. बच्चे क्या करते हैं, एंड टाइम पे पूरा पढ़ने बैठ जाते हैं सर, पूरा लेते हैं और वो भूल जाते हैं कि हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हाईलाइट किए हमें सिर्फ वही पढ़ने हैं, ताकि प्रॉपर वे में क्या हो, आपका रिविजन हो सके. तो बस मेन क्या है, हमें उसकी स्ट्रेटेजी बनानी है किस तरह से रिवाइज करना है. बिल्कुल बिल्कुल. और मैम शायद रिविजन स्ट्रेटेजी है ना, वो सबकी आई गेस पर्सनल होती है. कई बच्चों को बहुत डिटेल के अंदर रिविजन करना अच्छा लगता है, कईयों के लिए आपने बताया कि शॉर्ट जो रिविजन करने वाला मेथड होता है वो कईयों के लिए बहुत टाइम भी तो देखना होगा ना. हाँ, बिल्कुल. तो रिविजन स्ट्रेटेजी आपको अपनी खुद की बनानी चाहिए, बट जरूर बनानी चाहिए. यहां पर यह ध्यान रखना है कि आप केवल और केवल पढ़ रहे हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है. हाँ. उसको फ्रीक्वेंटली आपको रिवाइज भी करते चले जाना है, ताकि एंड टाइम पर आपके पास एक साथ इतना ज्यादा प्रेशर आपके ऊपर ना आए. अब यहां पर मैं नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करूंगा कि आपने इतना कुछ पढ़ा है, सब कुछ रिवाइज भी करा है, बट आप आपकी एक्वायर की हुई नॉलेज को जब अप्लाई नहीं करोगे, क्योंकि नीट के अंदर ये रिक्वायर्ड है, आपसे सवाल पूछे जाते हैं जिनका आपको जवाब देना होता है, ठीक है ना. तो जब तक आप अप्लाई नहीं करोगे अपनी नॉलेज को, तो आप किस तरीके से उस एग्जाम डे टेम्परामेंट को हैंडल कर पाओगे? उसके लिए आपको मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि बच्चों को क्या करना चाहिए. देखिए, मैं बार बार कोई ना कोई एक ऐसी सिचुएशन ले आती हूँ. देखिए, ये उसी तरीके से सोच के देखो कि आपको घर पे बैठ के गाड़ी में का बता दिया जाए कि ये स्टेयरिंग है, आपको इसको गोल घुमाना है, आपको बता दिया जाए कि ये गियर है, आपको यहाँ से गियर लगाना है, आपको ब्रेक लगाना है, ये आपको एक्सीलरेटर है, आपको दबाना है. लेकिन जब तक आप वो गाड़ी लेकर चलाएंगे नहीं, उसकी टेस्ट ड्राइव नहीं लेंगे, आप उसको रोड पे नहीं चलाएंगे, आपको कैसे पता चलेगा आपको हैंडल कैसे करना. जब तक आप सबको एक साथ मैनेज करके ना चलाना नहीं सीखेंगे, चलाएंगे नहीं जब तक उसको रोड पे, आप कैसे पता चलेगा आपको. बिल्कुल, तो बिल्कुल. वो टेस्ट जो होता है ना, गाड़ी का टेस्ट, वैसे ही आपके एग्जाम का टेस्ट है. जो पढ़ते जा रहे हो उसके टेस्ट दो ना, तभी तो समझ में आएगी एक साथ टाइम के साथ कैसे उनको हैंडल करना है. यही तो टेम्परामेंट है. बहुत बहुत अच्छी बात बताई मैम आपने कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आप हर प्रैक्टिस के बाद में अपनी गलतियों के ऊपर इंट्रोस्पेक्ट नहीं करोगे, तब तक आप कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर पाओगे. और गाड़ी चलाने वाला जो एग्जांपल था वो माइंड ब्लोइंग था. ठीक, मतलब आप लिटरली फील कर सकते हो कि क्यों बार बार हर फ्रीक्वेंटली कुछ 15 days या 10 days के ऊपर टेस्ट देना जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप नीट के अंदर आसानी से स्कोर करना चाहते हो. और अगर आप इतना सब कुछ कर लोगे, तो फिर फाइनली जब आपका एग्जाम डे आएगा, ऑल्दो आपके ऊपर इतना सब कुछ करने के बाद में बिल्कुल भी प्रेशर नहीं होगा, बट फिर भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं मैम जो कि अननेसेसरीली एग्जाम डे को अपना बहुत इंपॉर्टेंट डे, जो कि होता भी उनके लिए, मान लेते हैं, और उस प्रेशर के अंदर अपने साल भर की जो प्रिपरेशन है उसको रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते. तो ऐसे बच्चों को मैम आप कुछ अपनी जो एनालॉजी है उसके फॉर्म में क्या बताना चाहेंगी? देखो, मैं ऐसे स्टूडेंट्स के लिए एक ही बात बोलना चाहूंगी कि टेक ए डीप ब्रेथ, अच्छे से ब्रेथ लीजिए और आप लोग सोचिए कि ये एग्जाम भी आपके उन्हीं मॉक टेस्ट की तरह है जो आप लोग हमेशा पूरे साल देते आए हैं. और जब आप बार बार रिपीटेशन के साथ में मॉक टेस्ट देंगे, तो आप सेम उसी टेम्परामेंट के साथ में ये एग्जाम डे है ना उसको भी कर लेंगे. तो मेन एक्चुअल में चीज क्या है, आपको रिपीटेशन जो है ना, रिविजन, रिपीटेशन, मल्टीपल रीडिंग, बार 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 किया गया काम हमारी लाइफ में ऐसे आ जाता है जैसे हम डेली ब्रेथ लेते हैं. तो वो चीज भी आप टेम्परामेंट जो है उसका हैंडल कर लेंगे. तो अगर एग्जाम डे टेम्परामेंट आपका अच्छा है, तो मैम मैं अभी भी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी मैं इस सीरियस प्रॉब्लम को आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा कि कई बार चीजें अपने कंट्रोल से बाहर चली जाती है. बच्चों की फैमिली के अंदर कुछ ऐसा हो रहा होता है जिसकी वजह से वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, उनका फोकस जो है वो चला जाता है. तो ऐसे बच्चों का भी इस नीट 2019 के अंदर कई बार ऐसा होता होगा कि, मतलब नीट 2019 के अंदर हुआ होगा कि अच्छा पेपर नहीं गया होगा. बिल्कुल. अब ऐसे बच्चों को तो मैम, मतलब मैं चाहता हूं कि आप किसी ना किसी तरीके से मोटिवेट करें कि ऐसा सब कुछ नहीं होगा वापस, और वो वापस से नीट के अंदर काफी अच्छा स्कोर कर जाएंगे. देखिए ना सर, मैं इस चीज के लिए एक चीज बताना चाहूंगी. एक्चुअल में होता है क्या कि हर गलती जो होती है ना वो एक बार होती है. जब हमें पता चल जाता है ना कि ये चीज गलत हुई है, तो नेक्स्ट टाइम वो रिपीट नहीं होगी. जैसे एग्जांपल के लिए आपकी मासी जो है वो बार बार आती है और पूछती है, बच्चे ने पढ़ाई कर ली क्या, उसके नंबर कितने आए, अरे हम डर गए. फिर क्या, पड़ोस की आंटी आई, उन्होंने पूछा, अच्छा आपका बच्चा तो उस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है, मार्क्स ले आया क्या, हम फिर डर गए. अब आपको पता चल गया ये आंटियां, मासियां, चाचियां, काकियां जो आपसे क्वेश्चन करने वाली, तो इग्नोर देम. इस साल आपको उनको इग्नोर करना है. आपकी इतनी जो आपको टेंशन देने वाली सिचुएशन है उनको हटाना है और आपको बस आगे बढ़ जाना है. क्या कह रहे हैं सर? तो मैम मतलब आपने वैसे तो बहुत सारी बातें बता दी, बट एक फाइनल मैसेज आप स्टूडेंट्स को क्या देना चाहेंगी, ताकि वो जो अपना सपना छोड़ने की सोच रहे हैं,
पहले तो अपना सपना वापस से पकड़ लें और अगली बार उसको पूरा भी कर लें। देखिए सर, मेरी लाइफ का एक सिंपल मोटो है जिसकी वजह से शायद मैं आज यहाँ खड़ी हूँ या फिर जहां पे भी हूँ मैं, जो डॉक्टर पूजा व्यास जो बोला जाता है, शायद उसी की वजह से है कि जब जब मैं हारी हूं तब मैं अपने आप को एक ही बात बोलती हूँ कि मैं जीतती सिर्फ इसलिए हूं क्योंकि मैं हार नहीं मानती, और मैं तब तक लड़ती हूं जब तक कि मैं जीत ना जाऊं। तो आप लोगों को भी वही करना है, हार नहीं माननी है और एक बार पूरे जोश के साथ फिर से स्टार्ट करना है, फिर से तैयारी करनी है और हमें देखना सक्सेस जरूर मिलेगी। क्या बात कही है मैम आपने। मैं आखिरी में, इस वीडियो के आखिरी में, स्वामी विवेकानंद की एक कॉट आपसे शेयर करना चाहूंगा। उन्होंने एक बार कहा था, और हम जैसे जो यूथ है उन्हीं के लिए उन्होंने ये चीज कही थी, अराइज अवेक एंड डू नॉट स्टॉप अंटिल द गोल इज योर्स। मैम ने भी एग्जैक्टली वही बात कही है कि आपको लड़ना है, आपको भिड़ना है, आपको हार नहीं माननी, और फिर देखो आपका सपना अगर यकीन में ना बदल जाए तो फिर हमें बताना। तो हम मिलते रहेंगे आपसे कुछ इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके। आप हमारे चैनल पर बने रहिए, हमारे वीडियो को अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को शेयर कीजिए, और हम कुछ इसी तरीके की चीजें लेके आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।